नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। दिन का दूसरा कोरोना अपडेट आया है, जिसमें बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि दूसरे अपडेट में 39 नए मरीज मिले हैं और कुल संख्या जो है वो बढ़कर 1118 हो गई है। आज यानी कि बात शनिवार शाम 6 बजे तक की करें तो सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक 85 नए मरीज मिले हैं, संख्या 1118 हो गई है। आज मिले 85 नए मरीजों की बात करें तो इनमें से जो मरीज हैं वो जमुई से 7 मरीज मिले हैं, समस्तीपुर से 1 मरीज, शेखपुरा से 9, पटना से 6 मरीज मिले हैं, औरंगाबाद से 2 मरीज, मुंगेर से 1 मरीज मिला है, जबकि बांका से 18 मरीज सामने आए हैं। वहीं कटिहार से 3, मुजफ्फरपुर से 2 मरीज, शिवहर से 1, जहानाबाद से 1, पूर्णिया से 15 मरीज सामने आए हैं, जबकि नवादा से 9 मरीज। इसके अलावा वैशाली की बात करें तो यहां से 3 मरीज, मधुबनी से 6 और पूर्वी चंपारण से 1 मरीज मिला है। तो आज सुबह से शाम 6 बजे तक 85 नए मरीज मिले हैं। हालांकि इस दौरान कुछ मरीज ठीक भी हुए हैं और इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि अब बिहार में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 453 हो गई है। मौत के आंकड़े की बात करें तो बिहार में अब तक सिर्फ 7 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल स्थिति यह है कि शनिवार शाम 6 बजे तक बिहार में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1118 हो गई है। आज यानी कि शनिवार को सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक 85 नए मरीज मिले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर सही लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।